मधुबनी के अंदराढाड़ी में वर्षों ट्रेन की आवाज सुनने को बेकरार, लोगों को लगा जोरदार झटका। नहीं हुआ महरैल वाचस्पति नगर रेलखंड का स्पीड ट्रायल। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर इंतजार में खड़े रहे अधिकारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे, लोगों के हाथ लगी मायूसी। मधुबनी जिले के झंझारपुर लौकहा अमान परिवर्तन योजना के तहत बुधवार और गुरुवार को महरैल वाचस्पति नगर नव निर्मित रेल ट्रैक का स्पीड ट्रायल होना अधिसूचित था। इस दौरान ट्रेन को 100 या उससे अधिक किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ानी थी। हालांकि शाम 7 बजे तक स्पीड ट्रायल नहीं हुआ था, लोगों में दिन भर संशय की स्थिति बनी रही थी। इस ठंड में सैकड़ों की संख्या में देर शाम लोग ट्रेन का इंतजार करते रहे, मगर ट्रेन नहीं आने से लोग धीरे धीरे मायूस होकर घर लौट गए। इस बारे में जानकारी देते हुए अभियंता संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि बुधवार को अधिसूचित स्पीड ट्रायल रद्द हो गया है। अब गुरुवार को मध्य पूर्व रेलवे सर्किल के CRS सुबोमोए मित्रा इस रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। वे महरैल स्टेशन पर गुरुवार की सुबह 8:30 बजे पहुंचकर सबसे पहले मोटर ट्रॉली से ट्रैक निरीक्षण करेंगे। स्पीड ट्रायल की बात जानकर बुधवार को दिन भर वाचस्पति नगर, महरैल और चंद्रेश्वर स्थान हाल्ट पर दिन भर लोगों को निर्माण कार्य में लगे कमियों की गहमा गहमी बनी रही थी। बताते चलें कि 25 मई 2017 को झंझारपुर लौकहा रेलखंड में अमान परिवर्तन के लिए रेलवे ने मेगा ब्लॉक लिया था। उस समय 4 जोड़ी गाड़ियां इस रेल खंड पर चलती थी। मेगा ब्लॉक लेते समय कहा गया था कि 1.5 वर्षों के अंदर इस रेल ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। कई कारणों से अमान परिवर्तन होने में काफी देर हुआ। आखिरकार 7 सालों के बाद अब कार्य पूर्ण हो जाने की बात कही जा रही है। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों शशि चौधरी, ब्रह्मदेव राय, रविंश कुमार, रोहन कुमार, अनिल कुमार, विकास कुमार, सचिन कुमार, टुनटुन शर्मा आदि ने बताया कि ट्रेन का हम लोग काफी इंतजार किए, नहीं आने पर हम लोग मायूस होकर घर लौट गए। अंदराढाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। कि सभी जनता जो है आज बहुत ज्यादा खुशी है, पूरे प्रखंड की बता रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा खुश है। कारण ये है कि विगत कई वर्षों से ये रेलवे स्टेशन की काम काफी धीमी गति से चल रही थी। हम लोगों को उम्मीद थी कि 2025-26 में भी ये क्लियर नहीं होगी, लेकिन आज 17/1/2024 को आज स्पीड ट्रायल होने वाली है। ये सुनकर न्यूज़ के माध्यम से यही सुनकर हम लोग देखने के लिए यार काफ़ी उत्साहित हैं। हम लोग काफ़ी खुशी हुई कि चलिए आज मेरे रेलवे स्टेशन के माध्यम यहाँ पर स्पीड ट्रायल होगी। स्पीड ट्रायल नहीं हुई है, अब क्या लग रहा है कि उम्मीद में पानी फिर रही है? अब तो लग रही है कि भाई जिस तरह से काम में बाधित हो गई है, काम पूर्ण नहीं हुआ। न्यूज के माध्यम से दिखा गया कि आज ही एसपी ट्रायल होगी और नहीं हुई तो उम्मीद के काफी लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो सुबह से आए हुए हैं और जो मतलब मुरझा करके वापस चले गए। 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगी, अब देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं आई है। काफी सही चल सही ढंग से चलना शुरू हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार भी मिलेगा, जैसे टेम्पो चालक हो या शॉप टॉप की दुकान, उनके लिए काफी लाभदायक होगी होगी। जैसे कि विदेश से भी कनेक्ट है ये। अभी शशि भाई ने बताया कि ये विदेश को पूरा छू के जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। विदेश के लोग भी यहाँ आएंगे, मेरे पड़ोसी मुल्क नेपाल। जैसे कि पहले लहन में हम कि जो भी हुआ है यहाँ की स्थिति जो भी है, लेकिन संवेदक के द्वारा काम अच्छा नहीं किया गया। जी अपना पैसे दे जी, मेरा नाम ब्रह्मदेव राय है जी। कुछ बता रहे थे आप, बताइए। देखिए, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी हम लोग का अमृतकाल चल रहा है। आज स्पीड ट्रायल होने वाला था, किसी कारणवश नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से कल ये स्पीड ट्रायल होगी। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के प्रति बिल्कुल सुदृढ़ हैं और पूर्ण रूप से चाहते हैं कि वो जब 2029 तक तो गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनके विदाई से पहले हमारा भारत इतना डेवलप कर जाएगा, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, किसी भी देश को हम ट्रेन ट्रैक के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, अगर हमारे यहाँ अगर किसी तरह का जंग होता है, युद्ध होता है, तो हम लोग इसी से अगले देश को हम लोग पछाड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।